Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Sadh Shyam and this is Zoyan Akhtar. आज फिर से बहुत ही बढ़िया किस्म की वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और काफी दिनों के बाद आपको मेरा चेहरा दोबारा देखने को मिल गया, तो अब आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो किसके ऊपर है? आज की वीडियो कंट्री कंपैरिजन पे है, इंडिया वर्सेस, हम कर रहे हैं साउथ कोरिया का कंपैरिजन। इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया, यानी के एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी दोनों बहुत आगे हैं, फैशन की दुनिया में भी बहुत आगे हैं और पता नहीं किसकी खूबसूरती की दुनिया में भी बहुत आगे हैं। वहाँ भी बहुत सारे खूबसूरत लोग बसते हैं, यहाँ भी बहुत सारे खूबसूरत लोग। उधर के एक्टर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इधर के एक्टर्स की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। उनमें से दो ग्रुप सबसे ज्यादा टॉप पे, एक BTS एंड दूसरा ब्लैक पिंक। तो हम दोनों के फैन है, हम दोनों के फैन है, लेकिन BTS ज्यादा बेहतर है। और ये ना समझिएगा बॉलीवुड के फैन नहीं है, बॉलीवुड के भी फैन है, टॉलीवुड के भी फैन है। बॉलीवुड और टॉलीवुड, इंडियन जो है एंटरटेनमेंट दुनिया, उसको तो आप छोड़ देना, उसका कंपैरिजन आप BTS वगैरह के साथ ना ही करें, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वहां की मूवीज हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं, तो कंपैरिजन एक तरह बनता नहीं। लेकिन देखते हैं इस वीडियो में किस चीज के फैक्ट्स एंड फिगर है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी फरमाइशी वीडियो पे रिएक्शन दें तो कमेंट बॉक्स नीचे है भाई, इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते हैं, काइंडली आप उस पे ना लिंक सजेस्ट कर दीजिएगा, हम डेफिनेटली उस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। हम ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं। कंट्री बस ओके, इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए, इसको आप कंट्रोवर्सी में ना लेके जाइएगा, किसी काम से ज्यादा नहीं कर रहे साउथ कोरिया। इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। सेम, वाओ वाओ, एक दिन बाद है हमारे से दोनों। हाँ यार, हम एक दिन बड़े हैं, उसको छोड़ दें। गवर्नमेंट फेडरल रेजिडेंटल है और ये पार्लियामेंट्री ही है। एशियन में आई थिंक पार्लियामेंट्री ही चल रहा है। दिस इज नॉट गुड। से ज्यादा के लोग उधर हैं, 14% इंडियन, 6.5%। सारे एथियस्ट हैं, बता दीजिएगा, नहीं पता मुझे। साउथ कोरियन वॉन, वॉन्स हमारा रुपी है, हमारा पी क्या है, रुपी है डिबी ट्रिलियन, टेन पॉइंट टू ट्रिलियन, 2.2 trillion, नॉट बैड। 14 पर कैपिटा 47 थाउजेंड जी, वेरी इजी रैंक है 5.63। हाँ ये तो हम समझ सकते हैं, यहाँ इससे हमें क्या हालात है समझ सकते। ओके, $512 billion एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी आगे है जी कोरिया, एंड इम्पोर्ट में भी ऑलमोस्ट इसको हम बराबर कह सकते हैं, नॉट बिग डिफरेंसेस। और इम्पोर्ट बुरे ही होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1.6 HCI, okay, 23rd, this is
बेस्ट 104.4 टन है, 7.1.2 टन, मच मच बेटर, नंबर ऑफ बिलियनर्स 177 ऑब्वियसली, बिलियनर्स के ऊपर रिएक्शन चाहते हैं तो बताइए। दिस पर्सन है जी लेकुन ही मुकेश अंबानी नहीं है, थोड़ी पुरानी वीडियो है, अभी गौतम अडानी चल रहे हैं। अलेक्स ओके, हाँ यहाँ पे इंडिया आ गया, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है सारी कि वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़ा है साइज में, तो ऑयल प्रोडक्शन अच्छा, उधर ऑयल नॉट अवेलेबल, तो इंडिया गोट वन मोर पॉइंट। हेल्थ 8% ऑफ जीडीपी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 8% जो है जीडीपी का लगता है हेल्थ के ऊपर, एंड 1.28% ऑफ जीडीपी इन इंडिया। हेल्थ पे जितना लगे उतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.3 ईयर्स हैं, ये बहुत अच्छा रैंक 3 पे, यानी कि दुनिया में नंबर 3rd पे सबसे ज़्यादा लाइफ चल रही है नॉर्थ कोरिया वाले। इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया में ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन आजकल तो हर बच्चे को ओके। ड्राइविंग साइड राइट है हमारे यहाँ, लेफ्ट राइट है हमारी साइड, इंडिया के लेफ्ट लिखा था। बेसबॉल एंड क्रिकेट ठीक है, बेसबॉल की मुझे आज तक समझ नहीं आई। ओलंपिक्स मेडल 3.7 Not even close. And 127 gold थे। Gold prizes में इंडिया बाजी में। Oh great यार। इन्होंने zero दिया था दुनिया यहाँ पे। शून्य दिया। Bengal Tiger. Okay. दोनों में Tiger। Tiger है। ये वाला जरा आलसी Tiger लग रहा है, मोटा। मेरी तरह। International tourism 18. लेकिन यहाँ पे अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें तो साउथ कोरिया ज़्यादा 190 मोर पावरफुल, रैंक भी 2 है और ओल्डिट भी ठीक है, किसी को हैप्पीनेस रिपोर्ट भी यहाँ की ज़्यादा है 61 रैंक। जाहिर सी बात है भाई, जब परेशानियाँ कम होंगी तो हैप्पीनेस ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ना हमारे लोग इमोशनल ज्यादा हैं, तो इस वजह से छोटे-छोटे बात पे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे मानसिक और खुशी भी ज्यादा, टेंशन नहीं लेनी, खुशी भी ज्यादा है बस। ये उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बनाया, और इनमें से कुछ फैक्ट्स आई डाउट के रॉन्ग हो सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि जो भी फैक्ट्स रॉन्ग है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था एक इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ही रहे हैं काफी टाइम। बिल्कुल, तो अब हमने रिसेंटली देखा था कि गौतम अडानी हो गए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है मुकेश अंबानी ने दोबारा क्रॉस कर लिया हो। रिसेंटली हमने कोई इस पर इतनी रिसर्च नहीं की, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। और उसके अलावा बॉलीवुड बोलता है कभी खुशी कभी गम, और यही लाइफ है ब्रो, यही लाइफ है। तो आपका रिस्पॉन्स, पिछली मैं वीडियोज कुछ देख रहा था, मैं बिहाइंड द कैमरा होता था, तो मैं बात कर रहा था कि यार BTS के ऊपर बड़ा अच्छा रिएक्शन आ रहा है, लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है, तो मैं कह रहा था कि यार BTS भी पकड़ो, BTS पे रिएक्शन देते हैं। लेकिन मैंने इस बंदे को बोला कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, चाहे वो BTS से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बंगाल से हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट होगी ना, हम उनको अहमियत ज़्यादा देंगे, अपनी सब्सक्राइबर की सजेस्टेड वीडियो पे ही हम रिएक्शन दिया करेंगे, जब वो ख़त्म होंगी तब हम BTS पे और दूसरी इस तरह की चीज़ों पे रिएक्शन देंगे। तो काइंडली आप लोग हमें सजेस्ट कर दीजिएगा वीडियो जिस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्शन दें, इंस्टाग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और बहुत जल्द हमारी कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, रिएक्शंस फिर हम कुछ खास वीडियोस पे दिया करेंगे जिसके हमारे जो है व्यूअरशिप अच्छी आ रही है, क्योंकि भाई मेहनत इससे ज़्यादा नहीं होती, तो बस सिर्फ वही टॉपिक पकड़े हैं जिसके ऊपर व्यूज आए, यहाँ पे घंटा लेने थोड़ी बैठे हैं हम भी, आज व्यूज लेने के लिए बैठे हैं, तो सीधी साफ बात है, हो सकता है हम फिर कंटेंट चेंज करें। एनीवेज BTS वालों के लिए हेड्स ऑफ, बहुत ज्यादा जो है ना
अगर हम कंटेंट भी चेंज करते हैं, उम्मीद है जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे जिस तरह वो डे वन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने रमजान में ही चैनल स्टार्ट किया था और ये महीना हमारे लिए काफी लकी साबित होता है, हमेशा साबित होता है हमेशा से, क्योंकि हमारा होली मंथ है, होली मंथ है हमारे लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि हम आपकी किसी रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्शन दें, तो भाई बोल रहा है कि जो वीडियो चल रही होगी जिस पे आप लोग ज्यादा प्यार देंगे हम उस पे डेफिनेटली रिएक्शन। तो फिर इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज एंड पीस।